नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आपका स्वागत है। ओह क्या ड्रामा। भारतीय संसद के इतिहास में एक बहुत ही जबरदस्त दिन देखा गया शुक्रवार 20 जुलाई को। आंख मारी गई, झप्पी पाई गई, चिल्लाया गया When AP was divided, और चिल्लाया गया बहुत चिल्लाया गया दो श्रीमान तो सीधे अस्पताल से आए वोट देने के लिए, उसमें से एक तो स्ट्रेचर पर थे। नोकझोंक हुई एंड ऑल्सो ग्रेट एक्शन मैडम। आई वाज फॉर वन एंड मोर देन वन एंड हाफ आवर आई वाज लाइक सिटिंग इन ए ग्रेट ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी। दिखा दिखा कर अच्छे से समझाया गया। In front of Lord Balaji, you promised to give SCS for 10 years, and you also emphasized an appeal to the people of AP to decide whether they need a Seam Andhra or a Scam Andhra. That is, do you want to vote for Seam Andhra for? इशारों में स्टाइल भी थी, और हाँ, मुद्दों पर चर्चा हुई। इतने मुद्दे उठे कि जिसको जो मन में आए वो चुनकर अपनी अलग कहानी बनाए, और ऐसा हुआ भी। अगर अभी भी आपको शक हो कि राजनीति में वो बात नहीं, तो इस शुक्रवार की गतिविधियों को देख लीजिए, और जब थक थक के आंखें लाल हो जाएं, कान सुन सुन कर बदहाल हो जाएं और सर फट कर बवाल हो जाए, तब भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। धर्म सिखाया आपने, मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूँ, मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूँ, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। तो शुरू से शुरू करते हैं। बारिश हुई, बाढ़ आई, बंबई वालों की हिम्मत एक बार फिर बंधी अगले साल तक के लिए, और संसद का मॉनसून सत्र बुधवार 18 जुलाई को शुरू हुआ। 11 बजे से शुरू होना था, 12 बजे से पहले ही तेलुगु देशम पार्टी के 3 सांसदों द्वारा लिखी गई चिट्ठियां पहुंच गई अविश्वास मत के लिए, अर्थात नो कॉन्फिडेंस मोशन। प्रस्ताव मंजूर किया गया, चर्चा का दिन रखा गया शुक्रवार को, और उत्कृष्ट राजनीति के लिए समा बंद गया। अब इसके आगे भला कोई और पिक्चर कहां टिकेगी। इसके पहले कि इस रंगीन सुपरहिट ड्रामे के बारे में और चर्चा करें, कुछ दर्शनार्थियों के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उड़ीसा के बीजू जनता दल ने तू कौन मैं खामखा का राग अलापा और इसमें भाग नहीं लिया। आंध्रा की वाईएसआर कांग्रेस इसमें भाग तो लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पिछले बजट सत्र में ही सारे अपने पत्ते खेल दिए थे इसी अविश्वास मत के लिए, और जब दाल नहीं गली तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब जब इस बार अविश्वास मत 15 साल बाद आया तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। शिवसेना ने पहले कहा मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, फिर कहा नहीं है, फिर कहा राहुल गांधी कमाल है, फिर कहा भाजपा सरकार सही काम नहीं कर रही, और इस पूरे दौरान उसी सरकार का हिस्सा बने रहे केंद्र में भी और राज्य में भी, क्योंकि देखिए वड़ा पाव खाना भी है और बचाना भी है। तो फिर अब डिबेट शुरुआत की तेलुगु देशम पार्टी के गजब बोलने वाले सांसद जयदेव गल्लागारू ने, जिन्होंने सबसे पहले एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म के बारे में बात की, भला क्यों नहीं। मैडम, The latest Telugu blockbuster, Bharat Tane Nenu, which means I, Bharat, is a story about a young NRI who returns to India after his father, who is a CM, dies suddenly. Bharat enters politics reluctantly and becomes a young, dynamic and beloved CM. फिर उन्होंने इस अविश्वास मत को लाने के लिए अपने कारण बताए। This no confidence motion has been brought by the TDP for 4 reasons. Fairness, trust, priority and bias, or rather lack of fairness, lack of trust, lack of priority and lack of an unbiased approach towards Andhra Pradesh. समझे,
बात यह है कि उन्हें आंध्र प्रदेश के लिए एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में तेलंगाना एक पुराना राज्य है नए नाम के साथ, और आंध्र प्रदेश एक नया राज्य है पुराने नाम के साथ, और नए राज्यों को पैसे की जरूरत होती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने से आंध्र प्रदेश को पैसे और अन्य कई बेनिफिट काफी मिलेंगे। केंद्रीय सरकार का कहना है कि 14वें फाइनेंस कमीशन के बाद अब स्पेशल स्पेशल कुछ नहीं रहा, 42% जो सरकारी खाते से मिलता है उसी में सभी परेशानियां जोड़ ली जाती हैं। इसके बाद भी जो कमी पड़ती है उसे केंद्र सरकार देने को तैयार है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का ठप्पा नहीं देंगे। लेकिन वही तो चाहिए। हुआ यूं कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही एक वादा किया था कि आंध्र को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा 5 साल तक के लिए। इलेक्शन का माहौल था, बीजेपी ने कहा वो तो 5 साल देते हैं, हम 10 साल देंगे। फिर इलेक्शन बीत गए, अब फाइनेंस कमीशन है। आंध्र प्रदेश सरकार को लेकिन यह चाहिए था कि इन प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी लागू करें, मगर मैं समझता हूं कि स्पेशल स्टेटस की बात को अब उसकी बहुत चर्चा न करके बल्कि इन सब सारे प्रोजेक्ट्स को लागू करें, जो भी असिस्टेंस प्राप्त हुआ है उस आधार पर आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। फिर बोलने के लिए खड़े हुए युवा हृदय सम्राट कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने क्या बोला, वाह 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 वाह, समा ही बांध दिया। इन्होंने ललकारा, पूरे देश ने अभी देखा है, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। सच्चाई है, ये कोई कभी उधर देख रहे थे कभी उधर देख रहे थे, आरोप लगाए। तो जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। अपनी वाक्पटुता का नमूना दिया, प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर अपने अपना जो सिक्योरिटी कवर है। प्रत्यारोप लगा है, किसान का बेटा स्कूटर मोटरसाइकिल चलाता है, पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम नीचे गिर रहे हैं, हिंदुस्तान में ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने मित्रों के जेब में पैसा डालना चाहते हैं। आप जितना भी चलाएं वो क्षण देश ने देख लिया है, देश को समझ आ गई है बात, चौकीदार नहीं है भागीदार है। काफी गजब बोले जनाब, बस सच थोड़ा बोलना रह गया। मिसाल के तौर पर इंडिया फ्रांस राफेल डील के ऊपर इनका आरोप ले लीजिए, जहां इन्होंने कहा, और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से ये सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है, और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। कुछ मिनटों के अंदर ही भारतीय सरकार और फ्रांस की सरकार दोनों ने ही वो कागजात दिखा दी जो कि यूपीए 1 के डिफेंस मिनिस्टर श्री एके एंटनी जी ने खुद ही साइन किए थे। जब पोल खुली तो कानून याद आया, पहले ऐसा कोई कागज ही नहीं था, और फिर वो इतना कॉन्फिडेंशियल हो गया कि जिसे दिखाना ही नहीं चाहिए था। Rule 368, if a minister quotes in the house a despatch or other state paper which has not been presented to the house, the minister shall lay the relevant papers on table, provided that these rules shall not apply to any documents which are stated by the minister to be a such an attire that their production would be inconsistent with the public interest. Yes. Provided further that, while I mean, kindly read second proviso, provided further that, while a minister gives in his own words a summary gist of dispatch or state paper, it shall not be necessary to therefore, madam, a confidential document, a confidential document between of the government cannot be said, cannot be presented by the defense minister. इनके चीन के आरोप पर भी यही हुआ, और एनपीए आरोप पर भी, जिस पर बाद में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में
एक गजब का खुलासा किया। आजादी के 60 साल की में 60 साल में हमारे देश की बैंकों ने लोन के रूप में जो राशि दी थी वो 18 लाख करोड़ थी। 60 साल में 18 लाख करोड़। लेकिन 2008 से 2014 6 साल में ये राशि 18 लाख से 52 लाख करोड़ हो गई। 60 साल में 18 लाख 6 साल में 52 लाख पहुंचाई और ये 6 साल में 60 साल में जो हुआ था उसको डबल कर दिया। राहुल गांधी जी का भाषण एक तरह से विपक्ष के मुश्किलों को दर्शाता है। अभी भी विपक्ष सुगठित और स्थिर नहीं है। संख्या बल ना होने के कारण जो शुरू हुआ था अविश्वास मत बनकर वो धीरे धीरे 2019 का चुनावी बिगुल बनकर रह गया। और मैं आपको यहां बता देता हूं, पूरा का पूरा विपक्ष और आपके बहुत सारे लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी को चुनाव में हराने जा रहे हैं। अंततः राहुल गांधी जी ने खुद ही अपना नाम पप्पू लिया और प्रधानमंत्री के गले लग लिए। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सभी नफरत नहीं है। ये हुआ दोपहर के 2 बजे। इसके बाद कई दिग्गज आए अपना अपना भाषण देने के लिए। कुछ ने तो थोड़ा और कर करके काफी समय भी बढ़ाया। कुछ क्या कहना चाह रहे थे समझ में भी नहीं आया। बहरहाल ये कुछ एक्स्ट्रा क्विक हाइलाइट्स हैं। 4 साल हो गए हम यही सवाल पूछते आ रहे, फिर भी एक टूटे रिकॉर्ड की तरह, जब वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी जैसे बोलते हैं एक टूटे रिकॉर्ड की तरह, ओ चंद मामा, कोई भी मंत्री यहाँ पे बोले वही बात बार बार दोहराई जाता है। आज तक जो साल एक में 2014 में जो बोली गई है उससे अभी तक एक भी चीज नहीं बदला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप क्या कहते हैं कि इसमें जो है आप मेहनत कीजिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन 2019 तक का जो अध्यक्ष जी जहाँ तक मामला है 2019 में प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। बिना मतलब ये लोग प्रयास नहीं करें, 2024 को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मैडम। मैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में मैडम, हाउस ऑर्डर में नहीं है मैडम, वही सब ऑर्डर में आप बोलते जाओ। मैं क्या बोलूं मैडम स्पीकर, जिस घर में एलजी रहते हैं उस घर में अंग्रेजों के जमाने में वायसराय रहते थे, शायद वायसराय की आत्मा एलजी में घुस गई है। क्या लाट साहब के डंडे से दिल्ली चलाओगे? और अभी ये अपनी मैच जो है, मैच का अभी जज्बे मतलब निकाल आने वाला है, और जो 2020 मैच है राहुल गांधी जी ने आज अच्छे रन निकाले हैं, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी की बारी है और नरेंद्र मोदी जी हमारे टीम के कैप्टन है, वो विराट कोहली है। वो मैं क्रिकेट की मैच खेल रहा हूँ, मैं यहाँ मतलब क्रिकेट की मैच है, इधर अभी जीतने का वक्त आ गया है। अभी आपने रन निकाले हैं, अभी उससे डबल रन निकालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और मोदी साहब डबल रन निकालेंगे। अब बारी आई सफेदी की चमचमाहट का विज्ञापन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की। ये भी अपने फुलटू मिजाज में थे, भला क्यों नहीं। इन्होंने पहले अविश्वास मत पर सवाल उठाए। न मांझी न रहबर, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। फिर उन्होंने किसी का मजाक उड़ाया। क्या देश के विषय कोई गंभीरता नहीं होती क्या? क्या हर जगह पे बचकाना हरकत करते रहेंगे क्या? और आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। फिर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। देश को विश्वास है, दुनिया को विश्वास है,
दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं को विश्वास है, लेकिन जो खुद पर विश्वास नहीं कर सकते वो हम पर विश्वास कैसे कर सकेंगे। आए थे विश्वास मत लेने, विपक्ष को प्रसादी देते हुए श्रीमान ने अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों का उल्लेख करना शुरू किया, जैसे कि विपक्ष ने इन पर एहसान कर दिया हो ये अविश्वास मत लाकर। हम भागीदार हैं, देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं देश के उन 115 जिले जो आकांक्षी जिले हैं उनके विकास के सपनों के भागीदार हैं, हम देश को विकास की नई राह पर ले जाने वाले मेहनत कश मजदूरों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं और हम भागीदार रहेंगे, उनके दुख को बांटना ये हमारी भागीदारी जिम्मेवारी है, हम निभाएंगे, हम ठेकेदार नहीं है, हम सौदागर नहीं है, हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है, हमें गर्व है इस बात। जब 90 मिनट बाद भाषण खत्म हुआ तो वोट हुआ, पर पहले थोड़ी तकनीकी खराबी हो गया। जब वोट हुआ तो रिजल्ट जग जाहिर था, विपक्ष को 325 से 126 की करारी हार मिली। जो शुरू हुआ था संख्या बल के खेल के का खेल, जिसमें कहा गया था कि कौन कहता है कि नंबर नहीं है हमारे पास, रिजल्ट के आते आते नैतिकता की लड़ाई में बदल गए। लेकिन सच्चे खिलाड़ियों की तरह हर किसी ने जीत घोषित कर दी, यहां भाजपा ने, यहां कांग्रेस ने और यहां बाकी सब ने। पॉलिटिक्स जो है ना, गजब तमाशा है। मैं आपसे विदा लेता हूं, मेरा नाम राघव है, ये ड्रामा देख रहा हूं ताकि आपको ना देखना पड़े। अंत में नजर घुमाइए भारत देश के सबसे धैर्य रखने वाले जॉब की ओर। धन्यवाद। यस बैठिए। यस निर्मला जी बैठिए। प्लीज ठीक है, आप भी मुस्करा रही तो मुझको मुस्कराने का अधिकार है, बैठिए। हर कोई एक्सप्लेनेशन दे, उन्होंने ऑब्जेक्शन कुछ नहीं लिया, बैठिए। निर्मला जी का नाम लिया है मैंने निर्मला जी का नाम लिया है। आई एम सॉरी प्लीज मैडम स्पीकर। यस थैंक यू मैम, इट्स ओके। नॉट लाइक दिस, आई कांट, आई एम सॉरी। उन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। नो क्लेरिफिकेशन उन्होंने दिया है उनका। बैठिए आप सब लोग बैठिए। आपको आप लोग बैठिए। नो नथिंग, वो केवल क्लेरिफिकेशन, उनको कोई आरोप नहीं है, उस पर अगेन कोई बात नहीं हो सकती है। आई एम सॉरी, नो नथिंग, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल हैपन। आपका नाम ही नहीं लिया था, क्यों बार बार बोलेंगे आप चीजें? आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट प्रॉपर। आप अलग से भाषण कर सकते हो, आपके पास समय है, आप क्या बोलोगी, बोलिए। हाँ बोलिए।